हाय फ्रेंड्स, मैं नाजिया, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे चिकन कौरमा। ये शादी वाला कौरमा है, नान के साथ इसको सर्व करते हैं। आप इसको सिंपल रोटी चपाती के साथ में भी बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। बनाने में भी ये बहुत आसान है, तो आप इसको ट्राई करें। साथ ही रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कौरमा बनाने के लिए घी सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। आधा किलो चिकन का कौरमा ये बन रहा है। घी मैंने इसमें ऐड किया है 3/4 कप और प्याज इसमें गई है 100 ग्राम यानी तकरीबन 3 प्याज मीडियम साइज की। प्याज पर हम गुलाबी सा कलर आने तक फ्राई करेंगे यानी इसको ज्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। ये देखें, जब इस पर ये वाला कलर आने लगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे। और अभी जो गैस की फ्लेम है ये मैंने बिल्कुल कम कर दी है। प्याज थोड़ी सी इसमें रह गई है तो कोई मसला नहीं है, इससे ऐसे ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और यहाँ पर इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। पीसेस चिकन के बिल्कुल वाइट वाइट से हो गए हैं। चलिए अब इसमें नमक ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और नमक के साथ इसमें गर्म मसाला ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची यानी जो काली इलायची होती है, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, छोटी छोटी 2 स्टिक दालचीनी की, 2 तेजपत्ता, छोटा सा 1 पीस जावित्री का, ये जायफल इसको अभी निकाल देंगे, बाद में इसका पाउडर बनाकर ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी इलायची, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अभी अच्छे से इसको भूनेंगे। लहसुन का जो कच्चापन होता है वो हमें यहाँ अच्छे से निकाल देना है। गैस की फ्लेम ये मैंने अभी हाई कर दी है, हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ड्राई मसाले में मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और साथ ही इसमें चली जाएगी ये 1/2 कप दही, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और 1 से 2 स्लाइस नींबू के। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करके भूनिए, लेकिन मैं इसको ऐसे ही भून रही हूँ क्योंकि इसमें दही गई है तो पानी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून खसखस पाउडर और फिर गैस की फ्लेम मीडियम करके इसको यहाँ अच्छे से भून लेंगे। तो इसको भूनने में 1 से 2 मिनट लगेंगी। इसको गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आप इसमें 3/4 कप या 1 कप पानी ऐड कर दीजिए, सफिशियंट है। और फिर इसको कवर करके गोश्त को अच्छे से गला लीजिए। तो पीसेस यहाँ सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं और इसमें टाइम लगा है 6 से 7 मिनट। ग्रेवी भी देखें, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रेवी दिख रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इस टाइम पर हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट का पेस्ट। इस पेस्ट को मैंने 1/2 टेबल स्पून मगज़, 3 से 4 बादाम, 3 से 4 काजू से तैयार किया है। ये ग्राइंड किया हुआ मखाना है, तो मखाने को आप पहले थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, ये प्याज हैं जो हमने निकाली थी ना बाहर फ्राई करने के बाद, अभी ये ऐड करनी है, लेकिन ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे। जो हमने जायफल का पीस निकाला था ना उसका पाउडर बनाकर यहाँ ऐड करेंगे। तो 1/2 जायफल का पाउडर इसमें गया है और साथ ही ये 1/2 टीस्पून मसाला इसमें जाएगा। इस मसाले में सिर्फ दालचीनी और जावित्री है। अच्छे से यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ये ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी हमने ज़्यादा इसमें इसीलिए रखी थी क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी थी। बस यही सब चीज़ें ऐड करके गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको यहाँ अच्छे से भून लेंगे। तो अभी मैंने इसको अच्छे से भूना भी नहीं है और देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई है, जैसे बिल्कुल शादी वाले कौरमे की ग्रेवी होती है, दानेदार, और ऑयल होता है बिल्कुल सेपरेट, तो इसी तरह की हो गई है। 2 से 3 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। तो 3 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है और अच्छे से ये भुन भी गया है। अभी इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए अपने हिसाब से, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। थोड़ा सा मैंने ये केवड़ा वाटर ऐड किया है, 2 से 3 ड्रॉप, और यहाँ पर इसको मिलाकर अच्छे से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो गैस की फ्लेम इस टाइम पर पहले से ही बिल्कुल कम है, फौरन से इसको सर्व नहीं करेंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है और गैस की फ्लेम बंद कर दी है। 10 से 15 मिनट के बाद ही आप इसको सर्व कीजिए।
तो अभी ये शादी वाला कोरमा बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी देखें आप, बिल्कुल शादी वाले कोरमे जैसी है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।